दुनिया भर में कई जगह विशालकाय लंबे पैरों के निशान पाए जाते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी ने धरती पर जहां जहां कदम रखे वहां उनके पैरों के निशान बन गए, और ये निशान आज भी देखने को मिलते हैं। और सिर्फ ये निशान ही नहीं, हनुमान जी के पैरों के निशानों के आसपास और भी कई ऐसे सबूत मिले हैं जो साबित करते हैं कि इन निशानों से जुड़ी हुई मान्यताएं सच है। आइए जानते हैं ऐसे ही 5 सबूतों के बारे में। नंबर 5, अंजनेरी। राजधानी दिल्ली से करीब 1278 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र का शहर नासिक बसा हुआ है। इसी नासिक से करीब 27 किलोमीटर दूर पवित्र त्र्यंबकेश्वर बना हुआ है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। इसी त्र्यंबकेश्वर से 6 किलोमीटर की दूरी पर हनुमान जी का वो जन्म स्थान भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ एक गाँव है जिसका नाम हनुमान जी की माँ अंजनेरी के नाम पर रखा हुआ है। ऐसी पौराणिक मान्यता है कि इस अंजनेरी गाँव की पहाड़ियों में हनुमान जी का बचपन बीता था, और इन्हीं पहाड़ियों से हनुमान जी ने सूरज को निकलने के लिए आसमान से लंबी छलांग लगाई थी। इस गांव से पैदल लगभग 3 घंटे की दूरी पर 3 पहाड़ चलने के बाद मिलता है ऐसा तालाब जो 12 महीने पानी से भरा रहता है। इस तालाब का आकार पांव जैसा है, और बताया जाता है कि हनुमान जी के बाएं पैर का निशान है। यहीं से उन्होंने पैर जमीन पर दबाकर जोर से छलांग लगाई और सूर्य देव को फल समझकर मुंह में दबा लिया था। जिस वक्त हनुमान जी ने छलांग लगाई थी, सूरज आसमान में उग रहा था, यानी कि उन्होंने पूर्व दिशा की ओर छलांग लगाई थी। खोजकर्ताओं ने कंपास की मदद से दिशा की खोज की तो उनको पता चला जिस दिशा में ये पंजा बना है वो पूर्व दिशा ही है। इस तालाब के पास ही एक गुफा है। ये वही स्थान है जहाँ हनुमान जी की माता ने हनुमान जी को जन्म दिया था, और यही बात सभी पुराणों में जैसे ब्रह्म पुराण, विष्णु पुराण, जैसे वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि त्र्यंबकेश्वर के बगल में ब्रह्मगिरी के पास विष्णु पर्वत पर अंजनी माता तपस्या कर रही थी, और यहीं हनुमान जी का जन्म हुआ, जो इस पैरों के निशान से जुड़ी आस्था को और भी पक्का करता है। 4th सबूत, शिमला। शिमला के जाखू में एक विश्व प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। मान्यता है कि राम रावण के युद्ध के दौरान जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे तब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने निकल पड़े। आकाश मार्ग से जाते हुए हनुमान जी की नजर नीचे तपस्या कर रहे यश चीफ पर पड़ी, तभी हनुमान जी विश्राम करने और संजीवनी बूटी की जानकारी प्राप्त करने नीचे उतरे। यहाँ वो जिस स्थान पर उतरे थे वहाँ आज भी उनके पद चिन्हों को संगमरमर के रूप में बनाकर रखा गया है, और यहाँ उनकी विशालकाय मूर्ति भी स्थापित की गई है। नंबर 3, मलेशिया। सिर्फ भारत में नहीं, भारत से दूर तेलांग में भी हनुमान जी के पैरों के निशान मौजूद है। दरअसल यहाँ के लोगों पर रामायण का काफी प्रभाव है, और ये लोग मानते हैं कि रामायण की सारी घटनाएं यही मलेशिया में घटी थी। यहाँ रामायण को हिकायत श्रीराम कहा जाता है। नंबर 2, थाईलैंड। एक ऐसे ही पैरों का निशान मिलता है थाईलैंड में। थाईलैंड में रामायण रामकीन के नाम से प्रचलित है। आज भी थाईलैंड में अयोध्या नाम का शहर है जिसका नाम अयोध्या से लिया गया है, क्योंकि लोग बरसों से पीढ़ी दर पीढ़ी रामायण सुनते आ रहे हैं, इसलिए रामायण पर उनकी काफी आस्था है। नंबर 1, श्रीलंका। सीता माता की खोज करने निकले तो उन्होंने भव्य रूप धारण किया था, फिर वो समुद्र पार करके श्रीलंका पहुंचे। वहां पहुंचने पर जैसे ही हनुमान ने अपने कदम रखे वहां उनके पैरों के निशान बन गए, और ये निशान आज भी वहां मौजूद है जिन्हें हनुमान पथ कहा जाता है। ये वीडियो उन लोगों को बहुत अनुभव देगा जो हनुमान जी के प्रति आस्था रखते हैं, और जो लोग आस्था नहीं रखते वो लोग दे सकते हैं अगर वे खुले मन से रामायण महाभारत में लिखा इतिहास पढ़कर देश के विद्वानों द्वारा की गई पुष्टि को समझेंगे तो शायद उन्हें हकीकत पता चलेगी। आशा करते हैं ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे पेज के साथ, और जरूर लाइक करें हमारे पेज को। धन्यवाद।